हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर हम एग्रीकल्चर के नज़रिए से देखें तो हमारी इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर के अंदर। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमारे लिए मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस करती है। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर से ही आता है, और साथ में इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर से ही आते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। प्रेजेंट टाइम इंडिया में 3 तरह की फार्मिंग की जाती है। पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, या हम कह सकते हैं केवल सर्वाइवल के लिए की जाती है। मतलब इसमें लोग फसल उगाते हैं केवल अपना पेट भरने के लिए। इसमें क्या होता है, लोग छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं, और ख़ास बात ये है कि ये खेती प्रिमिटिव टूल्स की मदद से की जाती है, यानी कि पुराने टाइम के औजारों की मदद से की जाती है, जैसे कि ह्यू, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, इस तरीके के पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की खेती में घर के लोग ही या कम्युनिटी के लोग ही एज अ लेबर के रूप में काम करते हैं। इस तरह की खेती कम्प्लीटली नेचर पर ही डिपेंड करती है, यानी कि मॉनसून के ऊपर, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं करते, ना ही हम मॉडर्न फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ना ही हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। मतलब ये क्रॉप्स नेचुरली उगाई जाती हैं। अब दोस्तों, इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें से कुछ हिस्से को क्लियर किया जाता है, जिसमें पहले स्लैश किया जाता है यानी कि काटा जाता है, फिर बर्न किया जाता है। इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। और जो राख बचती है वो भी एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर काम करती है। इतना करने के बाद ये ज़मीन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फसल उगाने के लिए। फिर इस ज़मीन पर खेती की जाती है, और जब ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर शिफ्ट करते हैं, यानी कि दूसरी ज़मीन के टुकड़े को स्लैश एंड बर्न करते हैं। मतलब सेम प्रोसेस के साथ दूसरी नई जगह पर खेती करते हैं। तो ये होती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस तरह की फार्मिंग को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे झमिंग बोला जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसे दीपा बोला जाता है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह की खेती केवल हमारे भारत में ही होती है, बल्कि इस तरह की खेती पूरे वर्ल्ड वाइड की जाती है। जैसे कि मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा बोला जाता है, वेनेजुएला में कुनुको, सेंट्रल अफ्रीका में मैशूल, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग, इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि हम सेल्फ कंजप्शन और सर्वाइवल के लिए ही करते हैं। मतलब इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग अपना खुद का पेट भर सके, पर खास बात ये है कि ये थोड़े ज़्यादा लोगों का पेट भरने के लिए की जाती है। मतलब इस तरह की फार्मिंग उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और लैंड कम होती है। इसीलिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट का और मॉडर्न मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा। इस तरह की मॉडर्न चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम जमीन से ही ज़्यादा पैदावार निकाली जा सके और ज़्यादा लोगों का भरण पोषण हो सके। इस तरह की फसल उगाने के लिए लोग मॉनसून या नेचुरल रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो ट्यूबवेल्स और कैनल्स का भी यूज़ करते हैं। और तो और दोस्तों, इस तरह की खेती के लिए लेबर्स को भी हायर किया जाता है। अब हम समझते हैं थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसको करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना।
मतलब इस टाइप की खेती में फार्मर्स ज़्यादा मात्रा में मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि HYB सीड्स का जो कि ज़्यादा पैदावार देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का एंड पेस्टिसाइड्स का, और भी बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि फार्मर्स अपनी ज़मीन पर ज़्यादा पैदावार निकाल सकें और उसे बेचकर पैसे कमा सकें। सिंपली इस तरीके की खेती पैसे कमाने के लिए की जाती है, तभी इसे कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। तो अभी तक हमने तीन तरीके की फार्मिंग के बारे में पढ़ा। अक्सर क्या होता है कि हमें इन तीनों के बीच का डिफरेंस सही से समझ में नहीं आता है, तो इसे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो हम चावल की खेती करते हैं केवल अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए और छोटे ज़मीन के टुकड़े पर प्लस पुराने टूल्स का यूज़ करके, तो वो होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वही हम सेम क्रॉप को ग्रो करते हैं मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके और कम ज़मीन पर ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए, ताकि ज़्यादा लोगों की फूड डिमांड पूरी हो सके, तो ये होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वहीं अगर हम सेम ही क्रॉप को और बड़ी स्केल पर करते हैं मॉडर्न इनपुट्स और मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करके प्लस बेचने के पर्पस से या पैसे कमाने के पर्पस से, तो वो होती है कमर्शियल फार्मिंग। आया समझ में? अब दोस्तों, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, चलिए जानते हैं। तो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। मतलब पहली बात तो ये है कि प्लांटेशन फार्मिंग एक कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब इन्हें सेल करने के पर्पज से उगाया जाता है, यानी कि बेचने के लिए। प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही टाइप की क्रॉप को एक बड़े से एरिया में उगाया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, सुगरकेन, बनाना, ये इंडिया की मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। इन्हें बड़े बड़े एरियाज में उगाया जाता है ताकि इन्हें सेल किया जा सके इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। देखो, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे भारत में एग्रीकल्चर किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, मतलब हम इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात तो हम जानते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर्स क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड सेडिमेंट्स, इस तरीके की कई सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, हमारी इंडिया में तीन क्रॉपिंग सीजन होते हैं जिनमें अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। पहला है रबी सीजन, दूसरा है खरीफ सीजन और तीसरा है ज़ैद सीजन। रबी सीजन में रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, खरीफ सीजन में खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं और ज़ैद में ज़ैद क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो चलो हम इन तीनों तरह की क्रॉप्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर की शुरुआत में बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में इन्हें बोया जाता है और समर में यानी कि अप्रैल से जून के महीनों में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि काटा जाता है। रबी क्रॉप्स में आते हैं वीट, वारले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये कुछ इंपोर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। दोस्तों, ये जो रबी क्रॉप्स हैं, वैसे तो ये पूरे देश भर में उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये मेनली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि जब बरसात शुरू होती है, यानी कि जून जुलाई के महीनों में इन्हें बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स में आती हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये कुछ इंपोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। दोस्तों, ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो मुख्य रूप से असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। खास बात ये है कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तो तीनों फसलें ही पैडी की उगाई जाती हैं, जिन्हें इन स्टेट्स में ओस, अमन और बूरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर क्रॉप्स। इस टॉपिक में हम इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी इंडिया की अलग अलग जगहों पर उगाई जाती हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, सुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइस के बारे में। तो राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है, मतलब बहुत ही कॉमन फूड क्रॉप है, जिसे इंडिया के अधिकांश लोगों द्वारा खाया जाता है। हमारी इंडिया पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती है, यानी कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में।
चावल को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है, प्लस हाई ह्यूमिडिटी और 100 सेंटीमीटर से अधिक की एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल भाषा में चावल को उगाने के लिए काफ़ी गर्मी और काफ़ी बरसात की ज़रूरत होती है, इसलिए चावल की खेती सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या पर जहाँ पानी के अच्छे सोर्स होते हैं। जैसे कि राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में, कोस्टल एरियाज में एंड डेल्टेटिक रीजन्स में, जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो। इसमें जो डार्क ग्रीनिश टाइप का पोर्शन है वहीं पर चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और दोस्तों ऐसे एरियाज में जहाँ पर कम बारिश होती है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन एरियाज में भी चावल उगाए जाते हैं कैनल्स और ट्यूबवेल्स की मदद से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीट के बारे में, यानी कि गेहूं के बारे में। तो वीट जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, यानी कि गेहूँ जो है वो दूसरा सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला अनाज है। ये देश के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की मेन फूड क्रॉप है, यानी कि प्रमुख फसल है। वीट को उगाने के लिए ठंडा सीजन चाहिए होता है और बाद में इन्हें पकने के समय पर इन्हें थोड़ी धूप चाहिए होती है, प्लस इन्हें 50 से 70 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। वीट्स को उगाने के लिए सबसे अच्छे जोन माने जाते हैं इंडिया के गंगा सतलुज प्लेन्स और ब्लैक सॉइल रीजन्स। इसीलिए अगर हम बात करें इंडिया के मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। इन राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, इसमें जो डार्क वाला हाइलाइटेड पोर्शन है वो मेजर फूड प्रोड्यूसिंग एरिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज, या इन्हें कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये मोटे अनाज भी मेनली तीन प्रकार के होते हैं, ज्वार, रागी एंड बाजरा। ये तीन तरह के इम्पोर्टेंट मिलेट्स होते हैं। ये तीनों ही तरह के मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनस होते हैं, मतलब इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ काफ़ी हाई होती हैं। चलो इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ज्वार के बारे में। तो ज्वार जो है वो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। मतलब ज्वार भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फूड क्रॉप है। ज्वार एक रेनफेड क्रॉप है, मतलब इसे बारिश चाहिए होती है, इसलिए ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में उगाई जाती है जहाँ पर बारिश अच्छी होती है। इसलिए इस क्रॉप को उगाने के लिए अलग से इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज्वार सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। दूसरी अब हम बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा की जो फसल है वो उगाई जाती है सैंडी सॉइल्स और सैलो ब्लैक सॉइल्स के ऊपर। मतलब बाजरा की जो फसल होती है वो हल्की रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा में। थर्ड हम पढ़ते हैं रागी के बारे में। तो रागी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल क्रॉप है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफेज यानी कि फाइबर पाया जाता है। रागी ड्राई रीजन क्रॉप है, मतलब रागी सूखे इलाकों में, मतलब जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां पर भी आसानी से उग जाती है। रागी की फसल रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स पर आसानी से अच्छे तरीके से उगाई जाती है। रागी का मेजर प्रोडक्शन किया जाता है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में। आए समझ में? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में, जो कि है मेज़ यानी कि मक्का। तो मक्का आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और आपने खाया भी होगा। तो मक्का जो है वो एक ऐसी क्रॉप है जो कि फूड भी है और फूडर भी है, मतलब इसको हम लोग भी खाते हैं और इसे चारे के रूप में जानवर भी खाते हैं, यानी कि गाय भैंस भी खाती हैं। मेज़ एक खरीफ क्रॉप है जिसको 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और इसे पुरानी एलोवियल सॉइल पर अच्छे से उगाया जाता है। वैसे मेज है तो खरीफ क्रॉप, बट कई स्टेट जैसे कि बिहार मेज को रबी सीजन में भी ग्रो करते हैं। और तो और दोस्तों, मॉडर्न इनपुट्स की मदद से जैसे कि HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, इनकी मदद से मेज का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ा है। मेज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। चलो अब हम पढ़ते हैं पल्सेस के बारे में, यानी कि दालों के बारे में। तो दालें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये कुछ मेजर पल्सेस हैं।
खास बात यह है दोस्तों, इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर है पल्सेस का पूरे वर्ल्ड में। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा दालें हम ही लोग उगाते हैं और सबसे ज़्यादा दालों का कंजप्शन भी हम ही लोग करते हैं, क्योंकि दाल जो होती है वो मेजर सोर्स होती है प्रोटीन का। मतलब दाल में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए दाल एक अच्छा ऑप्शन होता है। और तो और दोस्तों, दालों को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। जहाँ तक कि दालों की फसलें सूखी कंडीशंस में भी आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं। यूजली जो फार्मर्स होते हैं वो दालों को दो रीज़न से उगाते हैं, पहला उन्हें खाने के लिए दाल मिल जाती है और दूसरा दाल उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। अरहर को छोड़कर जितनी भी दालें होती हैं वो सारी दालें मदद करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में, इसलिए ज़्यादातर फार्मर इन्हें रोटेशन में ग्रो करते रहते हैं अन्य फसलों के साथ साथ, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहे। पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो दोस्तों, अभी तक हमने कई सारी फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो कि ग्रेन्स थी, यानी कि अनाज थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अदर देन ग्रेन्स वाली फूड क्रॉप्स के बारे में, जैसे कि सुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये ग्रेन्स नहीं है लेकिन ये सारी फूड क्रॉप्स हैं, मतलब हम इन्हें खाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुगर केन के बारे में। तो सुगर केन को हिंदी में गन्ना बोलते हैं। तो जो गन्ना होता है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, प्लस इसे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, तब जाकर गन्ना अच्छे से ग्रो करता है। अगर किसी रीजन में कम वर्षा होती है तो वहाँ इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है गन्ना उगाने के लिए। दोस्तों, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सुगर केन का पूरे वर्ल्ड में, ब्राज़ील के बाद। गन्ना जो होता है वो मेन सोर्स होता है सुगर का, जैगरी का, खंडसारी का, मोलेसेस का, ये सब गन्ने से ही बनता है। सुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑयल सीड्स मतलब ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता है। तो दोस्तों, हमारी इंडिया में कई सारी ऑयल सीड्स की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम, सोयाबीन, कॉस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स, सनफ्लावर, इन सब की फसलें उगाई जाती हैं और फिर बाद में जाकर इनसे तेल निकाला जाता है, इसलिए इन्हें ऑयल सीड्स बोलते हैं। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स की, आफ्टर कैनेडा एंड चाइना। मतलब कैनेडा और चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जितनी भी ये जो ऑयल सीड्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं। आप सभी को पता है कि जब हम खाना बनाते हैं तब हम ऑयल को एज अ कुकिंग मीडियम यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ ऑयल सीड्स को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है सॉप प्रोडक्शन के लिए या अदर कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ करने के लिए। अब दोस्तों, ये जो इतने सारे ऑयल सीड्स हैं इनमें से कुछ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट के बारे में। तो ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है और जितने भी ऑयल सीड्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्राउंड नट का ही होता है, यानी कि ऑयल सीड्स के टोटल प्रोडक्शन का आधा भाग इसी क्रॉप से आता है। इसीलिए 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था मूंगफली का, आफ्टर चाइना। और अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो 2019-20 में इंडिया में गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का। इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी ग्राउंड नट काफ़ी ग्रो किया जाता है। अब दोस्तों, इसी तरीके से जो अदर ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि लिनसीड्स एंड मस्टर्ड, सीसामम, कैस्टर सीड्स, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो लिनसीड्स एंड मस्टर्ड है तो ये जो है वो रबी क्रॉप्स होती हैं, यानी कि सर्दियों में ग्रो होती हैं। इसी तरीके से जो सीसामम है वो नॉर्थ में खरीफ क्रॉप है और साउथ में रबी क्रॉप है। इसी तरीके से जो कैस्टर सीड्स हैं वो दोनों के रूप में ग्रो होते हैं, रबी क्रॉप एज वेल एज खरीफ क्रॉप। अब दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में जो कि है टी, यानी कि चाय। तो चाय एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, मतलब चाय प्लांटेशन के रूप में उगाई जाती है।
मतलब बड़े बड़े मैदानों में चाय की खेती की जाती है। चाय एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, यानी कि एक ड्रिंक है जिसे लोग कंज्यूम करते हैं। इसे शुरुआत में अंग्रेज हमारे देश भारत में लेकर आए थे, तब से लेकर आज तक देश के ज़्यादातर लोग चाय को पीते हैं। और ख़ास बात ये है, आज के टाइम पर जो ज़्यादातर टी प्लांटेशन है उनके मालिक भारतीय हैं। चाय की खेती ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में ग्रो हो जाती है, पर चाय की खेती को करने के लिए डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, मतलब काफ़ी गहरी फर्टाइल और हल्की नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है, मतलब मिट्टी पर पानी ठहरना नहीं चाहिए, प्लस वो मिट्टी ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ टी को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि थोड़ा गर्म प्लस बिना ओस वाला क्लाइमेट चाहिए होता है। इसके साथ साथ फ्रिक्वेंट सावर्स भी चाहिए होते हैं, मतलब हल्की हल्की बरसात भी चाहिए होती है ओवर द ईयर, ताकि जो चाय की पत्तियां हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब टी को ग्रो करने के लिए, मैनेज करने के लिए और जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं उनके लिए काफ़ी लेबर चाहिए होती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस की जाती है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो अभी तक हमने टी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी गुड क्वालिटी के लिए। आज के समय में इंडिया में अरेबिका नाम की एक कॉफ़ी की वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि शुरुआती समय में यमन से लाई गई थी। इस कॉफ़ी की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। इसका कल्टीवेशन शुरुआती समय में बाबा बुदान हिल से शुरू हुआ था और आज इसका कल्टीवेशन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, जो कि कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब हम जो फल और सब्जियां उगाते हैं या उनकी खेती करते हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर में आता है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो फल और सब्जियां उगाने के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है मटर का, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का एंड पोटैटो का। इसी तरह से इंडिया के अंदर हर तरह के फ्रूट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हों और चाहे वो टेम्परेट फ्रूट्स हों। इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है पूरे वर्ल्ड वाइड। जैसे कि मैंगोस, जो कि काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। इसी तरीके से ऑरेंजेस हैं, जो कि नागपुर एंड चिरापुंजी में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसी तरीके से बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड ग्वावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वेलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, इन सब की बड़ी डिमांड रहती है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। मतलब अभी तक हमने जितनी भी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा वो सारी फूड क्रॉप्स थी, लेकिन अब हम जिन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे वो सारी नॉन फूड क्रॉप्स होंगी, मतलब जिन्हें हम खा नहीं सकते, जैसे कि रबर, कॉटन, जूट, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रबर के बारे में। तो रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब रबर सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर उगाई जाती है और साथ में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी रबर उगाई जाती है। रबर को उगाने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, प्लस काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बरसात चाहिए होती है, साथ में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। रबर जो होती है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल माना जाता है, जिससे इंडस्ट्रीज़ कई सारे फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। रबर को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। तो फाइबर क्रॉप्स यानी कि जो रेशे वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि कॉटन, हेम्प, जूट एंड सिल्क। तो इसमें से जो कॉटन, हेम्प और जूट हैं वो सॉइल पर ग्रो किए जाते हैं, यानी कि मिट्टी पर उगाए जाते हैं। और जो ये सिल्क होता है वो एक ऐसा फाइबर होता है जिसे सिल्क बॉर्म्स के कुकून से निकाला जाता है। सिल्क बॉर्म एक कीड़ा होता है जो कि मेलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। तो जब लोग सिल्क बॉर्म्स को पालते हैं उनसे सिल्क निकालने के लिए, तो उसे सेरिकल्चर बोला जाता है। तो इन सभी तरह की फाइबर क्रॉप्स में से हमें दो तरह की फाइबर क्रॉप्स के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, जो कि है कॉटन एंड जूट।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉटन के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है वो ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट्स का, मतलब कॉटन की शुरुआत सबसे पहले हमारी इंडिया से ही हुई थी। कॉटन जो है वो वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, मतलब कपड़े बनाने वाले इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल माना जाता है। कॉटन एक खैरिब क्रॉप होती है, ये ड्रायर पार्ट्स ऑफ डेकन प्लेट्यू और ब्लैक सॉइल पर आसानी से ग्रो कर जाती है। साथ में इसे ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और थोड़ी बरसात चाहिए होती है। कॉटन की फसल को पूरी तरीके से तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं पूरी तरीके से ग्रो होने में। केवल इतना ही नहीं, पूरी साल में लगभग 210 दिन इस फसल को फ्रॉस्ट फ्री चाहिए होते हैं, मतलब बिल्कुल भी ओस नहीं चाहिए होती है, और साथ में इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, मतलब तेज धूप चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा कंडीशन चाहिए होती हैं कॉटन को ग्रो करने के लिए। 2018 के अनुसार पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड मेजर प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना। अगर हम बात करें हमारी इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। लास्ट हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। तो जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि बैग्स, मेट्स, रोप, यार्न, कारपेट्स एंड मैनी मोर। प्लस इसका कलर भी थोड़ा गोल्ड जैसा होता है। तो जूट काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है फ्लड प्लेन्स में, जहाँ पर वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। इसे अच्छे से ग्रो होने के लिए बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय में। बट आज के टाइम में जूट का काफ़ी कम इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं, वहीं जूट काफ़ी महंगा होता है। बट हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वो हमारे नेचर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आते हैं, यानी कि क्या क्या बदलाव आते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्रीकल्चर में बदलाव लाने की ज़रूरत क्या है, वाई रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। चलिए जानते हैं कि रिफॉर्म्स लाना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर हज़ारों सालों से की जा रही है। आज के समय में इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन का लाइवलीहुड्स, यानी कि उनका जो जीवन है, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। और दोस्तों, इरीगेशन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आज भी देश के बहुत बड़े बड़े भाग में अभी भी किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए मॉनसून और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। और ऊपर से हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है, जिस वजह से फूड डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे में सीरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाना ज़रूरी है ताकि एग्रीकल्चर पहले से बेहतर हो सके और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं आएंगे तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट उस पेस के साथ नहीं होगा जिस पेस के साथ होना चाहिए। तो आए समझ में कि रिफॉर्म्स लाना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म्स आते हैं, यानी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआती समय में क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से कई सारे मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन पर ज़्यादा गौर दिया गया, मतलब लोग मिलकर खेती करें ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। कंसोलिडेट किया होल्डिंग को, कॉरपोरेशन में काम करने को प्रेरित किया गया, और जो जमींदारी सिस्टम चलता था, मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति सारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किए रहता था, तो ऐसे सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो लैंड रिफॉर्म्स लाना ही, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए सुधार लाना ही गवर्नमेंट का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब दोस्तों, क्या लगता है आपको कि केवल इतने से ही काम चल गया होगा? नहीं, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर में और ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत थी। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करती है और 1970s में वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से फार्मिंग को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था और वाइट रेवोल्यूशन में हमने मिल्क प्रोडक्शन पर ध्यान दिया था। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या कि ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन की मदद से डेवलपमेंट तो देखने को मिला, बट कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ही डेवलपमेंट देखने को मिला। अभी भी कई सारी जगह ऐसी थी जहां पर डेवलपमेंट होना ज़रूरी था। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है 1980s एंड 1990s में कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करती है,
जिसमें गवर्नमेंट कई सारी इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स लाती है, यानी कि कई सारी नई नई चीज़ें लाती है। जैसे कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, मतलब इनकेस अगर ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीजेज के चलते अगर किसी की फसल खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट उसे इंश्योरेंस देगी, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए। सेकंड, ग्रामीण बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया, साथ में कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स पर भी जोर दिया गया ताकि किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके। फोर्थ, गवर्नमेंट के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC भी इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी किसानों की मदद के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि किसानों को इसकी मदद से चीप लोन मिल सके। साथ में एक स्कीम भी लॉन्च की गई जिसका नाम था पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि PESS। इसकी मदद से फार्मर्स अपनी फसलों को इंश्योर कर सकते थे। साथ में गवर्नमेंट कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स और वेदर रिपोर्ट भी पब्लिश करती थी रेडियो और टेलीविज़न पर, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अवेयर रह सकें और नई चीज़ें सीख पाएँ। और गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सेट करती है किसानों की फसलों के लिए, ताकि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। तो ये कुछ मेजर इनिशिएटिव हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे और ये आज भी प्रोसेस में है। लास्ट टॉपिक है हमारा भूदान ग्रामदान। देखो, ये भूदान ग्रामदान एक मूवमेंट था। अब ये मूवमेंट था क्या, चलिए जानते हैं। तो ये जो मूवमेंट था, इसे शुरू किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी को स्पिरिचुअली बहुत मानते थे, मतलब गांधी जी के जो स्पिरिचुअल थॉट्स होते थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इसलिए इन्हें स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी भी बोला जाता था। तो जिस प्रकार से गांधी जी का विचार था ग्राम स्वराज को लेकर, उसी प्रकार से ये भी ग्राम स्वराज के आइडिया पर बिलीव करते थे। तो ये क्या करते थे, उनके विचारों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए पद यात्रा करते थे ताकि गांधी जी के मैसेजेस को पूरे देश में पहुंचाया जा सके। तो एक बार क्या हुआ, ये गांव में जाते हैं पोचमपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो जब ये गांधी जी के मैसेजेस को कन्वे कर रहे थे, उसी समय पर कुछ लैंडलेस विलेजर्स यानी कि जो गरीब लोग थे, वो डिमांड करते हैं कुछ लैंड के लिए। वो कहते हैं, ये सब तो ठीक है, बट अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी तो हम कहाँ से अपना विकास करेंगे। अगर आप हमें ज़मीन दिलवा दें तो ज़रूर हमारी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। देखो, उस समय पर क्या था कि जो नॉर्मल गांव के लोग होते थे उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, सारी की सारी ज़मीन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स यानी कि ज़मींदारों के पास होती थी। तो जब ये चर्चा चल रही थी उसी मीटिंग में, तो एक व्यक्ति खड़े होते हैं जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। तो ये क्या करते हैं, अपनी 80 एकड़ ज़मीन को दान कर देते हैं 80 लैंडलेस विलेजर्स के लिए। इन्हें देखकर और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनके इस स्टेप के लिए। तो कुछ ज़मींदार क्या करते हैं, पूरा का पूरा गांव ही दान कर देते हैं लैंडलेस लोगों के लिए, क्योंकि तब इन ज़मींदारों के पास गांव जितनी ज़मीनें होती थी। तो ये जो मूवमेंट था, इसी को बोला गया भूदान ग्रामदान मूवमेंट। आया समझ में? और ये जो मूवमेंट था वो एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, मतलब ये शांति से चलने वाला रिवॉल्यूशन था बिना किसी वॉयलेंस के। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।